Hello, guys, welcome back to my channel. So, in this video, I am going to tell you how to fill up the B8 form of BKB Nirjuli and how to apply the B8 courses in BKB Nirjuli. So, first you have to open your Google in your mobile phone, computer, laptop, whatever you have, and then uh, type there BKCTE and then search. After that uh, you can see here BKC T E that's Bhet College and then you have to click on this first link. And this is the official link of the B B K and then open this and you can see here the homepage and आपको क्या करना है यहाँ पे scroll up and down करके यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ uh, जानकारी ले सकते हो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे उसके बाद आपको आज हम अप्लाई करना सीखेंगे एडमिशन का ऑप्शन आपको राइट साइड कोने पे आपको देखने को मिलेगा तो इस एडमिशन ऑप्शन पे आपको क्या करना है क्लिक करना है तो जैसे ही एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज यहाँ कुछ इस तरह से इंटरपेस आएगा दो तारीख यानी कि आज से शुरू हुआ था और पाँच तारीख का शाम का चार बजे को लास्ट डेट है उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यू कैन डाउनलोड द प्रोस्पेक्ट टू एंड यू कैन सी हियर द ऑप्शन अप्लाई नाउ देन यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई नाओ बटन सो आप आफ्टर क्लिक ऑन डेट आपका नेक्स्ट पेज सो आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से तो यहाँ पे जितना फॉर्म जो यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे देखने के लिए अगर आप मोबाइल फ़ोन पे करता है तो देखने के लिए यहाँ एक अनकम्फर्टेबल आपको फील कर करेगा यानी कि इसका व्यू जो है कि कंप्लीट व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है तो इसको आ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको आपका मोबाइल फ़ोन पे डेस्कटॉप साइट साइड करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको आपका मोबाइल फ़ोन का राइट साइड कोने पे आपको ट्री डॉट देखने को मिलेगा टॉप पे जैसे कि मेरा उधर ट्री डॉट नहीं था रेड एरो था, तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लेना है तो उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो जितना आपका व्यू जो है स्क्रीन का व्यू जो है कि चेंज हो जाएगा तो पहले जो कंप्लीट व्यू नहीं आता था वो अभी यहाँ पे कंप्लीट व्यू आने लगेगा तो यहाँ पे आप आ, फिल करना शुरू कर सकते हो तो सबसे पहला में है नेम ऑफ कोर्स टू विच एडमिशन इज साउ तो इसका तो एक ही होगा बी एड टू ईयर्स उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या है कि एजुकेशन का दो सब्जेक्ट रहेगा तो वो ऑटोमेटिक बात में ऐड हो जाएगा तो इसको आप फिल करना ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई दो सब्जेक्ट आपको लिखना है चाहे आप पोल साइंस लिख सकते हो हिंदी लिख सकते हो पोल साइंस एंड हिंदी ले सकते हो या जोग्राफी एंड हिंदी या हिस्ट्री एंड पोल साइंस या जोग्राफी एंड स ऐसे करके भी आप लिख सकते हो कोई दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद नेक्स्ट पे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट्स डालना है और जेंडर सेलेक्ट करना है और कोटा में आप किसी कोटा से अप्लाई करना चाहो स्पोर्ट्स कोटा एलमनी मैनेजमेंट तो वो सब आप कर सकते हो अगर उससे आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको क्या करना है ओपन कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ सबसे ऊपर पे ओपन कैटेगरी है तो आप ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है अगर आपने इस इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल का कुछ स्पोर्ट्स है तो आप स्पोर्ट्स कहता पे भी अप्लाई कर सकते हो उसके बाद एलमनी है तो उसमें भी कर सकते हो या मैनेजमेंट में, तो आप उसको अपने हिसाब से करना है उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्या करना है फादर्स नेम गार्जन नेम माडर्स नेम तो ये सब बेसिक सा चीज़ है ये तो हर फॉर्म फिल करते जगह में करने जगह में होता ही है तो उसको आप देख के कर लेना है उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ नेशनलिटी वो तो इंडियन ही होगा और रिलीजन और परमानेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस पे आप आपका बेलेज का या होम टाउन का नाम दे के उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड स्टेट कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो आपका कॉन्टेक्ट नंबर आपका, आपका एक्टिव वाला मोबाइल नंबर देना है तो आपको बाद में कॉलेज की तरफ से कॉन्टेक्ट भी करेगा उसके बाद आपको एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट्स यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस के लिए तो उसको भी आप डाल लेना है तो ये एक बेसिक सा चीज़ है तो ई एड्रेस भी देना है तो वहाँ पे मेल वगैरह आएगा एक्टिव वाला ईमेल एड्रेस देना है और आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो एस टी एस सी ओ बी सी जनरल ई डब्ल्यू एस तो इसको आप अपने हिसाब से फिर से सिलेक्ट कर लेना है आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके बाद नेक्स्ट पे आपको विदर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ़ एन सी सी अगर कुछ है तो आप येस कर सकते हो अगर आप येस करते हो तो आपको डिटेल्स कुछ उसका एक्टिविटीज़ का बारे में यहाँ भरना होगा अगर नहीं है तो आप नो कर देना है तो आपको भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसके बाद वेदर डिफरेंट लेवल मैक्सिमम तो नहीं होगा तो नो कर देना है उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्लास टेन से शुरू करना है तो यहाँ पे सबसे पहला जो है कि हायर सेकेंडरी लेवल का है तो इसमें आपको क्लास टेन का डालना है तो बोर्ड एन स्लैश यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपको क्लास टेन का बोर्ड क्या बोर्ड था उसको आप यहाँ पे डालना है सी बी एस ई था तो सी बी एस ई डालना है और अगर न्यूज था तो न्यूज डालना है उसके बाद आपका स्टेट बोर्ड किसी किसी स्टेट में स्टेट बोर्ड होता है स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड डालना है उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग को आपको सिलेक्ट करना है तो ईयर ऑफ पासिंग को फिर से सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका क्लास टेन पे जितना सब्जेक्ट था वो आपको वहाँ पर फिर से फिल करना है तो जैसे कि इंग्लिश कॉमा दे के उसके बाद हिंदी ऐसे करके देना है उसके बाद टोटल मार्क्स कितना ऑप्टेन किया था कितना मार्क्स ऑप्टेन किया था डालना है परसेंटेज कितना रहा उसको डालना है उसके बाद क्लास ट्वेल्व पे जो भी था उसको फिर से आपको फिल करना है टेन के बाद ट्वेल्व का फिल करना है तो ट्वेल्थ में भी वही सेम चीज़ ही होगा आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है ईयर ऑफ पासिंग वो सब कर लेना है उसके बाद आपको एक चीज़ करना है ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन में आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है उसको आप सिलेक्ट करना है और पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट से मीन्स कि ग्रेजुएशन किया है उसको आप सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ऑनर्स हुआ है मेजर लेके ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन किया है तो उसको आप सब्जेक्ट कोड भी साथ में डाल सकते हो उसके बाद मार्क्स वो सब आप देख के बढ़ लेना है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो उसको भर सकते हो नहीं किया है तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो ऑप्शनल है अगर आप टेक्निकल प्रोफेशन से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको भर सकते हो तो टेक्निकल का कुछ नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो ये भी एक ऑप्शनल है और टाटें नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे जब आप कॉलेज कॉलेज पे जब था तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो दूसरा स्टेट का किसी किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर हर सेमिस्टर में चेंज होता है लेकिन हम लोग का अरुणाचल में जितना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एपिलेटेड वाला चेंज नहीं रहता है फर्स्ट से लेके लास्ट सेमिस्टर तक रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहता है तो आप अपना मार्कशीट पे देख लीजिए तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो उसको डाल देना है अगर आप दूसरा स्टेट का है अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हर सेमिस्टर में चेंज होता है तो आपको क्या करना है आपका फाइनल वाला को आप डाल सकते हो तो अगर नहीं है बिल्कुल नहीं है ऐसे कुछ होने से आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना है यानी कि एन स्लेस ए डालना है तो एन स्लेस ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल तो वो सब डाल लेने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा तो इसको आप नीचे पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे भी आप आ, देख सकते हो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड मार्क्सिट ऑफ ऑल एग्ज़ामिनेशन पास एस टी ओबीसी सी ये सब आप देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको आ, सबसे पहले में अपलोड लेफ्ट साइड पे अपलोड ऑफ अपलोड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि क्लास टेन का आपका साइज कितना से कितना होना है वो भी दे के रखा हुआ है तो यहाँ पे चूज पायल पे क्लिक करना है और चूज पायल पे क्लिक करके जो भी आपका क्लास टेन का सर्टिफिकेट है उसको आप सिलेक्ट कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको किसी किसी का होता है सर्टिफिकेट अलग से होता है और मार्कशीट अलग से होता है तो आप सर्टिफिकेट को फर्स्ट स्विच पाल पे जाके क्लिक कर लेना है उसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद एड अनदर फाइल पे क्लिक करके फिर मार्कशीट को आप एड कर सकते हो लेकिन मेरा टाइम पे ऐसे नहीं था हम लोग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ में ही होता था तो उसका एक ही कर सकता है अपलोड उसके बाद आपको राइट साइड पर आपको क्लास ट्वेल्व का अपलोड करना है तो चुईच फाइल पर क्लिक करके उसको भी ऐसे कीजिए तो उसका भी सर्टिफिकेट आगे करके उसके बाद ऐड अनदर फाइल पर क्लिक करके मार्कशीट को आप ऐड कर सकते हो उसके बाद साइज़ आप देख लीजिए तो उसको आप पहले मिला के रख लीजिए आपका फोटो पो, पोटो फॉमेट प्रोमे, फॉर्मेट में होने से भी चल जाएगा यानी कि जे में होने से भी चल जाएगा और पी पी में होने से भी चल जाएगा तो आप, आप उसको आप अपना हिसाब से देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे बी ए जो ग्रेजुएशन का है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद नेक्स्ट पे आपका जो ये जो मास्टर का है राइट साइड पे उसको आप जोड़ सकता है ऑप्शनल है जितना स्टार मार्क वाला कंपलसरी है और आप एस को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप यहाँ पर कुछ अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी स्पोर्ट्स एनएसएस एनसीसी से आप कर रहे तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है तो ये हो गया सर्टिफिकेट वाला तो आपको डिक्लेरेशन मिलेगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम पे आपको क्लिक करके उसको हटा के वहाँ पे आपको आपका नाम डालना है उसके बाद आप आ, सन ऑफ या डॉटर ऑफ़ किसका है उस आपका पिताजी का नाम डालना है उसके बाद इसको फिर से आप लूट सॉरी इसको, इसको स्क्रॉल आप करना है और नीचे पे आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा तो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा थ्री हंड्रेड तो आपको यहाँ पे आप गूगल पे भीम पे एम, जो भी है तो फोन पे जो भी है आप यहाँ पे स्कैन कर लेना है और स्कैन करके आपको पे कर देना है उसके बाद पे करने के बाद उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी रहता है उसको यहाँ पे आपको नीचे पे यू नंबर ऑफ पेमेंट तो यहाँ पर आपको डाल देना है उस नंबर को उसके बाद आप अपलूड पासपोटो और अपलोड सिग्नेचर तो उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है स्विच पाइल पे क्लिक करके आप पासपोर्ट तो पहले अपलोड कीजिए उसका साइज़ फिफ्टी के बी से कम ही होना है उसके बाद सिग्नेचर जो थर्टी के बी से कम होना है उससे ज़्यादा नहीं होना है उसके बाद साइज़ को कैसे आगे पीछे करेगा मिनिमाइज़ करेगा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए तो उसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद किसी ने पूछा था किसी वीडियो में कमेंट भी किया था सिग्नेचर कैसे करेगा सिग्नेचर आपको पेपर प्लान पेपर पे सिग्नेचर करना है उसका फोटो खींचना है और उसको क्रॉप कर लेना है अच्छा से उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो ये हो गया प्रोसेस उसके बाद सब कुछ होने के बाद नीचे में आपको कैप्चा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पर तो यहाँ पर आप कैप्चा को फिल कीजिए फिल करके आपको यहाँ पर सबमिट का बटन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको सबमिट का बटन पे क्लिक कर लेना है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और जैसे ही आप उस सबमिट का बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा आपको मैं बताऊँगा तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप ऐसे देखने को मिलेगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन वी विल कंटेक्ट यू एज़ सुन एज़ पॉसिबल तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपका फॉर्म जो है कि सबमिट हो चुका है तो अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्या करना है क्लिक करना है तो जैसे ही आप कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये जो पहला वाला जो फॉर्म फॉर्म फिल करने जगह में आपको लेके चला जाएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका फॉर्म जो सबमिट हुआ है कि नहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपका सबमिट हो चुका है उसके बाद आप किसी अपना रिलेटिव्स या दोस्त का फ़िल कर देगा बोलने से तो आप यहाँ फिर से कंटिन्यू ऐसे फ़िल कर दे सकता है उसके बाद मैं आ, आप सभी को ये आशा रखता हूँ कि आप सबने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए और मुझे पर्सनली मैसेज करेगा बोलने से वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे तो आप बहुत मैं एक्टिव रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और फेसबुक पेज भी है उसको लाइक एंड फॉलो कीजिए तो आज के लिए इतना ही तो फिर हम मिलेंगे थैंक यू टेक केयर